आज हम जो गुणा कर रहे हैं उस विधि को आप शुरू से ध्यान दीजिए, बहुत ही बेस्ट है और ये एज इट इज 10th क्लास में भी आपके काम आएगी। इसलिए इस विधि को अच्छे से समझना है और इसका अप्लाई करना है, इसको किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन होता है वो हमें देखना है। निखिलम मेथड, इससे हमें संख्या का गुणा करना है। उससे पहले कुछ टर्म जान लेते हैं। वर्ड सुना होगा आधार, जिसको कहते हैं बेस। जनरली कोई भी नंबर जो होते हैं गणितीय नंबर पे देखते हैं तो उसका आधार, अब तक हम जितने भी गुणा करते आए हैं उसका आधार हमने अब तक 10 लिया है। उदाहरण के तौर पे अगर हमें इसकी जोड़ करनी थी तो भी हमने इसको 10 आधार लेके हासिल देने का सिस्टम करके इस तरह से जोड़ की थी। अगर हमें गुणा भी करना पड़ा तो भी हमने आधार 10 ही लिया इसका, कि जैसे ये 30 है तो 3 गुणा होता 10 के, तो ये इस तरह से हमने आधार 10 मान के हमने अपना जो भी कैलकुलेशन का जो सिस्टम था वो जारी रखा था। तो आधार एक इस प्रकार का नंबर होता है जिसे हम एक इनिशियली स्टेज पर लेके आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रकार आधार होता है 100 होता है, 1000 होता है, ये इस प्रकार के जो नंबर होंगे उन्हें हम आधार कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हमने एक नंबर लिखा 13 तो इसके लिए आधार 10 रहेगा। ध्यान रहे ये क्योंकि 10 के नज़दीक का नंबर है। अगर हमने लिखा 97 तो ये 10 से नज़दीक नहीं रहेगा, ये 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार बेस 100 हो जाएगा। अब कम या ज़्यादा जितने हैं उस टर्म को हम यूज़ करेंगे विचलन के तौर पे, डेविएशन। विचलन को क्या कहेंगे? डेविएशन। कितना डेविएट है ये अपने आधार से, तो जैसे 13 है तो अपने आधार से 3 ज़्यादा है तो ये 3 रहेगा, ये अपने आधार से कम है, 100 से कम है, ये 3 कम है तो इसका विचलन -3 होगा। तो आधार किस तरह से लिया जाएगा ये हर एक प्रश्न में आपको पहले तो ध्यान देना है। इसी बेस पे हमारा जो ये आज का जो सूत्र है आधारित है। एक और नंबर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नंबर लिया है 107, तो ये 107 ऐसा नहीं कि 110 के नज़दीक का है। हमेशा ध्यान रखिए ये मिडल नंबर हम आधार के तौर पे नहीं लेंगे, ये या तो 10 के नज़दीक का देखा जाएगा या 100 के नज़दीक का। तो इनसे हमें अगर नज़दीक नंबर पता लगाना है तो ये नियरर टू 100 है, इसलिए इसका जो बेस है आधार जो है वो 100 होगा। इस प्रकार किसी भी नंबर का सबसे पहले आपको आधार ज्ञात करना सीखना है, उसके बाद विचलन यानी डेविएशन ज्ञात करना है। जैसे ये अपने आधार से 7 ज़्यादा है तो इसका डेविएशन 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये टर्म ध्यान रखने हैं आधार और विचलन के। फिर एक नया शब्द हमारे लिए उप आधार। आधार जिस तरह से देखो 100 है, 10 है, 100 है, 1000 है, इससे आगे तो वैसे नंबर हमारे इस यूनिट में नहीं है, फिर भी अगर बड़े नंबर भी हो जाए तो 10000 है, ये इस प्रकार से आधार का सिस्टम चलता है। वैसे एक भी आधार होता है ये ध्यान रखें, कुछ नंबर्स दशमलव में होंगे, पॉइंट में होंगे, उसका आधार एक भी माना जाएगा। नेक्स्ट टर्म रहेगा उपाधार, सब बेस। अब ये सब बेस क्या होता है इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने एक नंबर लिखा 23। अब ये वैसे तो बात की जाए 10 और 100 तो नियर टू 10 यानी 10 के नज़दीक है, लेकिन ये 10 से भी कितना ज़्यादा है देखिए आप, अगर इसका विचलन देखें तो 13 होता है, ये खुद 10 से ज़्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखें विचलन यानी डेविएशन आधार से ज़्यादा नहीं लेना है। इस प्रकार के नंबर को हम किस तरह से लिखेंगे, ये जो 23 है 2 × 10 + 3, ये इस तरह से नंबर रहेगा 2 × 10 + 3, ये 10 हो गया हमारा आधार। टेन के इंटू में 2 है, मल्टीप्लाई में 2 है, तो देखो 10 2 = 20 होता है,
ठीक है, उससे ज़्यादा क्या है, ये तीन है, तो ये हो गया हमारा विचलन। इन पर हमने अभी डिस्कस किया ही है, ये बेस हो गया आपके, ये डेविएशन हो गया। अब जो ये दो बचा है आधार का गुणांक, आधार के जो गुणा में नंबर है, इसे हम कहेंगे उप आधार, इसे कहेंगे सब बेस। ये पहले आपको ध्यान देना है। इसका मतलब उपाधार क्या होता है, आधार का गुणज, ये हम अपने शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं, आधार का गुणज यानी मल्टीपल ऑफ बेस, मल्टीपल ऑफ बेस, बेस का मल्टीपल होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 54 है तो ये 5×10+4 होता है, ये हमारा आधार है, ये हमारा विचलन है और ये रहेगा उप आधार। इसको आप अच्छे से सीख लीजिए, आधार उपाधार और आधार उपाधार और विचलन किस तरह से लिया जाएगा, डेविएशन किस तरह से लिया जाएगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिसमें आपको ये क्लियरली पता चल जाएगी कि आधार और उपाधार किस तरह से लिए जाते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस में आते हैं और अपने जो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 14, 98, 104, इस तरह से हमने नंबर लिए, और एक हमने नंबर ले लिया 34 या फिर 36, कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे। 36 हम इस पर और डिस्कस करेंगे कि इसके लिए किस तरह से कंडीशन बनती है। फिर जैसे 98 लिया, इसकी जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं 128, इस प्रकार नंबर ले लिया। या हमने एक नंबर लिया है 104 है, इसी टाइप से 206 ले लिया। तो यहाँ पे किस तरह से आधार उपाधार का सिस्टम चलेगा उसको आप ज़रा ध्यान दीजिए। ये तो यहाँ पे देखिए, इसको हम 10+4 लिख देंगे, 10 जो कि आधार है आप जानते ही हैं, बेस है, और 4 इसका विचलन है, ये थोड़ा सा पहले जानना ज़रूरी है। 98 ये 100-2 है, ये आधार हो गया यहाँ पे और ये विचलन हो गया। इसी प्रकार से 104 में देखिए 100+4 है, ये आधार हो गया और ये विचलन हो गया। आधार यानी बेस, विचलन यानी डेविएशन। लेकिन नंबर बीच में आ जाए, 10 के नज़दीक ना आए, 100 के नज़दीक ना आए, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए इस 36 को हम 40-4 लिख सकते हैं या 30+6 लिख सकते हैं, ये दोनों शर्त यहाँ पर लागू होती है। 40 में से 4 घटाए तो भी 36 आता है और 30 में 6 जोड़े तो भी 36 आता है। इस नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे 4×10-4, इसको लिखेंगे 3×10+6। तो बात करते हैं इस कंडीशन पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो 10 है ये आधार रहेगा और ये इसका उप आधार हो जाएगा और -4 डेविएशन यानी विचलन हो जाएगा। से ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल सिंपल है। और जब बात करते हैं इसकी नियर टू 30, तो ये हमारा उपाधार रहेगा, जैसे यहाँ 4 है यहाँ 3 हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये उपाधार हो जाएगा और ये विचलन हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हम अप्लाई करके अपनी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 128, अब ये 128 जो देखिए, ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे 12×10+8। हालांकि इस टाइप के नंबर्स हमारे यूज़ में कम ही होंगे, जो 100 या 10 से बहुत ही ज़्यादा गैप में है, फिर भी इसको 100+28 भी लिख सकते हैं हम। तो ये 100 यहाँ देखें तो ये आधार हो गया और ये विचलन अपने आप में एक बड़ा नंबर है,
इसकी बजाय यहाँ देखिए 10 आधार हो गया और उसका उप आधार 12 हो गया प्लस का 8। ये दोनों कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे, जिस प्रकार यहाँ दोनों कंडीशन ली हमने, दोनों टाइम उपाधार अंक बदला था, यहाँ पे हमने आधार उपाधार लिया, यहाँ केवल आधार लिया। 206 को लिखेंगे 200 × 100 + 6, ये 100 हमारा रहेगा आधार बेस, 6 रहेगा यहाँ पे डेविएशन यानी विचलन, और 2 ये हमारा उप आधार हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।